हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को, सीखेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, कुल मिलाकर के पांच प्रकार के नाउन होते हैं। इन पांच प्रकार के जो नाउन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल देखिए किस तरीके से होता है, काउंटेबल बना है काउंट से, काउंट मीन्स होता है गिनना। तो ऐसा नाउन जो है जिसको गिना जा सके उसको हम बोल देते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे मार्कर, पेन, पेंसिल, इसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते। जैसे वाटर, सुगर, इस तरीके से ऑयल वगैरह, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है काउंटेबल नाउन, इसमें तीन प्रकार के नाउन आते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में आता है दो नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब ये, अगर सॉइल की बात कर दूं तो सॉइल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अगर कोई ऑयल है तो ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या इसमें डाल दिए हैं, अनकाउंटेबल नाउन, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। अगला है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जैसे भाववाचक संज्ञा हम हिंदी में बोल देते हैं, वही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे लव, हेट एक्सेट्रा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें से क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे बोलेंगे, अ स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कोई भी स्पेशल नाम होगा, स्पेशल मतलब विशेष तरीके का नाम होगा, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और ये हमेशा जहां भी रहेगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। कहीं भी लिखा जाएगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है राम। राम स्पेशल नाउन इसलिए है, स्पेशल नाउन इसलिए है क्योंकि ये किसी का नाम है। हालांकि राम नाम के लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी एक राम में होगी वही दूसरे राम में नहीं होगी, इसलिए ये स्पेशल की कैटेगरी में आ जाता है। और कोई भी नाउन स्पेशल की कैटेगरी में आएगा तो प्रॉपर नाउन होगा। मोहन, इंडिया, इंडिया एक ही कंट्री है, पाकिस्तान एक ही कंट्री है, मतलब जो बेसिकली अपने आप में यूनिक हो, एक हो, उसको हम प्रॉपर नाउन का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। सबसे पहले हमने सीखा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को बोलेंगे जिससे पूरी जाति का पता चले। मतलब अगर मैंने ये बोल दिया डॉग, तो एक टाइप के डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें सारे डॉग आ जाएंगे, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो ब्राउन हो। देखिए क्या होता है डेफिनेशन इसका, द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई वस्तु होगी उसके सामान्य नाम को हम क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन। और ये जो कॉमन नाउन है ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को, क्लास मतलब पूरे समूह को। अगर मैंने बोल दिया पेन, तो वो चाहे 200 रुपए का पेन हो चाहे 5 रुपए का पेन हो, पूरे पेन की बात मैंने कर दी। आगे क्या क्या कह रहा है, देखो ये क्या है, बॉय। बॉय मतलब एक बॉय की नहीं बात हो रही है, सारे बॉय की बात हो रही है, सारे लड़कों की बात हो रही है। गर्ल, अब गर्ल क्या है, अगर हम किसी का नाम ले लेंगे तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी गर्ल का नाम है मोनी, तो सिर्फ मैं मोनी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गर्ल बोल दूंगा तो सारी गर्ल्स आ जाएंगे। पेन, कंट्री, काउ, गोट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोल देते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है चीजों का। अब वो कौन कौन सी चीजों का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स। जगह का ग्रुप नहीं होता है, पर्सन और एनिमल और थिंग्स का ही ग्रुप होता है। इनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखिए जैसे टीम हो गया, अब कोई एक ही व्यक्ति टीम बना नहीं सकता है कि हाँ मैं अकेले ही टीम बना सकता हूँ, बहुत सारे लोग लगेंगे तब जाके टीम बनेगी। आगे देखिए क्लास। क्लास का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ जाएं तो उस पूरे हम जगह को बोल देते हैं क्लास, क्लासरूम। गैंग, गैंग भी ग्रुप है, आर्मी ग्रुप है, पुलिस क्या है, ग्रुप है। पुलिस मैन एक कॉमन नाउन है, अगर सिर्फ एक पुलिस की बात करेंगे तो उसको पुलिस मैन बोलेंगे, अगर पूरे पुलिस जाति की बात करेंगे उसमें सारे पुलिस आ जाएंगे। आगे देखिए कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। कैसे कलेक्टिव नाउन बना है, तो प्रॉपर नाउन में देखिए अंकित, रवि और अमित, ये तीन क्या है, ये तीन स्टूडेंट्स हैं, ये तीनों स्टूडेंट हैं, और ये जब इकट्ठा हो गए पढ़ने लगे तो इनका एक क्लास बन गया। अगला है सचिन, विराट और धोनी, तो ये सब क्या है, प्लेयर है, और ये जो प्लेयर बने
मतलब प्लेयर बन करके एक जगह इकट्ठा हो गया तो एक टीम बना ली, तो ये टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आगे है मोहित, रवि, विवेक, ये तीनों क्या है, सोल्जर है यानी सिपाही है, और जब ये सिपाही मिलकर एक जगह यूनाइट हुए, इकट्ठा हुए, तो क्या बन गया, आर्मी, और आर्मी ये क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव और द्रव में अंतर होता है, द्रव मतलब फ्लूइड, ऐसा कोई चीज जो बह सके उसको हम द्रव बोलते हैं, और द्रव क्या होता है, कोई पदार्थ, तो ये क्या है, पदार्थ वाला है यानी मटेरियल। क्या होता है, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, एक ऐसा नाउन जिससे मिलकर के चीजें बनी हुई होती हैं, उसको हम मटेरियल नाउन बोल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये पट्टी जो बोर्ड की बनी है किससे बनी है, ये एल्यूमिनियम से बनी है, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, मटेरियल। अगर कोई पेन बना होता है तो प्लास्टिक से बना होता है, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल। कोई रिंग बनी है तो या तो सिल्वर से बनी होगी या फिर गोल्ड से बनी होगी, तो सिल्वर या गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल हो गया, और रिंग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आइए देखते हैं, गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ऑयल, वाटर एक्सेट्रा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे मिल करके कोई भी कॉमन नाउन बनी है उसको हम बोल देते हैं मटेरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं भाववाचक संज्ञा। सिर्फ इससे ये पता चलेगा कि हाँ कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको ना तो छू सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। देखिए क्या है, नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, या तो कोई विचार होगा, क्वालिटी विशेषता, स्टेट अवस्था, इमोशन यानी भाव, हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये एक क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए क्या है, सबसे पहले कुछ विशेषता इसकी जानेंगे क्या है, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब कि इसको हम पकड़ नहीं सकते, जैसे कॉमन नाउन बोल दिया पेन, तो पेन को हम पकड़ सकते हैं लेकिन मटेरियल सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं पकड़ सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, वी कैन नॉट टच इट, हम इसको छू भी नहीं सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, वी कैन फील इट ओनली, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे देखिए पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य या सब्र, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ मैं 2 किलो पेशेंस रखता हूं अपने पास में, नहीं बिल्कुल नहीं, पकड़ नहीं सकते ना तो क्वांटिटी बता सकते हैं। दूसरा है लव, अब मान लो किसी से लव करते हैं तो पता चलेगा कि हाँ मैं 2.5 किलो लव करता हूँ, वो 3.5 किलो करता है, ऐसा नहीं है, मतलब इसकी क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती, बस हाँ है तो है। आगे क्या कह रहा है, एंगर सॉरी है हेट, घृणा, या तो घृणा क्या होता है, एक भाव है जो मन में ही उत्पन्न होता है, इसको ना तो हम पकड़ सकते हैं ना तो रोक सकते हैं। एंगर गुस्सा, गुडनेस अच्छाई, गुड मीन्स अच्छा होता है लेकिन गुडनेस मीन्स अच्छाई, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, गुडनेस क्या है, नाउन है। अगला फ्रीडम, स्वतंत्रता यानी फ्री होने के भाव को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीडम बोल देते हैं। आगे है करेज, करेज मीन्स होता है हिम्मत। आगे क्या, ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड यानी गर्व, हम कहते हैं ना वी प्राउड ऑफ यू, मतलब आई प्राउड ऑफ यू, वी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमें अपने देश पे गर्व है, तो यही सारी चीजें हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम पकड़ सकते हैं, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। सबसे पहले हमने ये सीखा टाइप्स ऑफ नाउन, और टाइप्स ऑफ नाउन में कुल हम लोगों ने पढ़ा 5 प्रकार का नाउन। उन 5 प्रकार के नाउन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्या है, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 प्रकार के नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में आता है 2 प्रकार का नाउन। तो इस प्रकार के कुल हमने 5 प्रकार के नाउन सीख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।